नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 19 नवंबर तक की होगी। ये रीडिंग ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लवर्स के कार्ड, हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो तो ये बंदा या बंदी जो भी हैं अभी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एडिक्टेड है, वो इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। और ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये ऑल टाइम आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों में उस तरीके की कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ या फिर आप एक दूसरे से मिले नहीं तो ये आपसे मिलने के लिए बेचैन है। अभी देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं, ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। देख लेंगे लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये आपसे कुछ छुपाना चाहता था लेकिन या फिर चाहती थी लेकिन ये छुपा नहीं पा रहा है। हो सकता है ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे छुपाना चाहता था क्योंकि टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके दिल की करीब अपने खुद को मानता है। आपसे मिलके इनका दिल की जो मामला है मतलब इमोशन जो है ये पूरा होता है। हो सकता है ये बंदा या बंदी वो चीज़ आपसे छुपाना चाहता था या चाहती थी लेकिन वो इन दिनों बाहर आ रहा है, इनका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक के रखा है। कितनी देर तक खुद को रोक के रख पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन ये अपने आप को दिखा तो रहा है कि इनको कोई मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको बता नहीं रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर मन ही मन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है। और ये आपके आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और आपके भी आपने कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। अभी देख लेंगे हम लियो आपकी खुद की क्या करंट एनर्जी है। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी हम चेक करेंगे। लियो यानी सिंह राशि, आपके खुद के करंट एनर्जी क्या कह रहा है। लियो यानी सिंह राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप भी बहुत ज़्यादा उतावले हो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेक्सुअली आप उनके साथ अटैच्ड होना आप भी चाहते हो। अगर मैं कहूँ ये चाह रहे हैं, लवर्स के कार्ड आए हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये इन एंड आउट वाला रिश्ता है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश या इच्छा तो आप में भी है लेकिन आप थोड़ा फिलहाल के लिए आप जल्दबाजी चाहते हो। लेकिन आपको पता है ये बंदा या बंदी जो भी है ये इन एंड आउट वाला इंसान है, फिर भी आप उनके तरफ जाने के लिए सोच रहे हो, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों हैं। आप रिस्क लेना चाहते हो, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो मैंने जैसे कहा कि आप चाह तो रहे हो इनकी तरफ जाना लेकिन एक्शन लेना, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हो, किसी पुरानी बात से परेशान हो सकते हो, किसी वजह से आप परेशान हो सकते हो, किसी
रिश्ते की परेशानी हो सकता है, ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है या चाहता था, इसलिए आप परेशान हो सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी हो, कितना भी आपका इमोशन आपके कंट्रोल में हो, लेकिन उनको देख के पता चलता है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, फिर भी आप एक्शन चाहते हो उस रिश्ते के बिहाफ में, आप उनके तरफ जाना चाहते हो, सेक्सुअली आप उनके साथ एक साथ आना चाहते हो, रिश्ते को और एक लेवल आगे बढ़ाना चाहते हो, यही आपकी करंट एनर्जी है। अभी देख लेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाया होगा, आप लोग सब स्वस्थ हैं, दुआ करती हूँ। मैंने भी मनाया, इसलिए मैंने कल कोई पोस्ट नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। चलो देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क करना चाहते हैं, पैसे की मामले में, रिश्ते की मामले में, किसी भी क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, ये टीम वर्क करना चाहते हैं, किसी की हेल्प से आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप भी इनको हेल्प करने वाले हो या फिर पहले करते थे, तो ये बंदा या बंदी टीम वर्क करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेथ के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी हैं, इनको लग रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म है, पहले इनको यही लग रहा था कि रिश्ता खत्म है, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि जब भी कुछ खत्म होता है तभी नया कुछ शुरू होता है, तो उनको लगता था कि रिश्ता खत्म है, लेकिन अभी उनको पता चला कि ये रिश्ता खत्म नहीं है, इसीलिए ये टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपकी बच्चों की माता या पिता हो, और अगर ना भी है तो वो बनना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये जानता है ये बंदा या बंदी आपके साथ उनका कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है, कितना भी चाहे इस रिश्ते से ये खुद को दूर नहीं रख पाते हैं, ना ही लियो आप खुद को दूर रख सकते हो। कितने भी दिन आप लोगों में बात ना हो, कुछ ना हो, आप मिल ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की रिलेशन है और आप लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हो। ये बंदा या बंदी आपके सामने आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ता ना उनके लिए ख़त्म है ना आपके लिए ख़त्म है, ये चाहते हैं दोबारा से आप लोगों में वो जो प्यार था वो बाहर आ जाए, क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस करता है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये लियो का रीडिंग है तो लियो नहीं होगा, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अभी देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो, लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या चाहते हो, अभी देखेंगे लियो आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको तो इंतज़ार है किसी चीज़ का, हो सकता है आपके पास ऑप्शन है या फिर उनके पास, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना, इसी जो आपके दिल की करीब है, और आप डिसीजन लेने के लिए भी इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी कब आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करे या कुछ बोले, तब जाके आप डिसीजन लोगे, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पहले आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था किसी वजह से, इसके बाद आपको लगा कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना सही नहीं है, बहुत दिनों बाद आपको ये एहसास हुआ कि ये जो रिश्ता था ये आपके भी दिल की करीब था, इसके बाद आप लोगों में कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं। आप हो सकता है पहले आप इस रिश्ते में जब थे तब कोई परेशानी नहीं था, लेकिन आप किसी फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से आपने मूव ऑन किया,
और आप अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दोबारा से इस रिश्ते में जाना चाहते हो। सकता है आप पहले से ही शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा ना भी हो तो दोबारा शादी करने, मतलब आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हो, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कब टेक्स्ट कॉल या मैसेज आए और आपको दोबारा से वो प्रपोज करे या फिर आपके सामने आए और ये कहे कि हम दोबारा से रिश्ता शुरू कर सकते हैं या फिर इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इस तरीके से बात वो करे, इसका इंतज़ार आपकी को भी है। कहीं ना कहीं आप भी उनको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी कहें, इस तरीके की मानते हो। जो रिश्ता होता है भगवान का बनाया हुआ, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी हम दूर रहे, कितना भी हम बात ना करें, कितना भी परेशानी हो, लेकिन जब भी हम उनके साथ बात करते हैं तभी हमें ये लगता है कि हाँ, मेरे दिल के करीब है ये रिश्ता और जो मुझे चाहिए था वही इस इंसान में है। तो हम खुद को पूरा महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जी आप में चल रहा है इन दिनों, इसीलिए आप खुद भी इंतजार कर रहे हो उनके आने की और रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की और स्टेबिलिटी पाने की। इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, इसका भी कोशिश आप कर रहे हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लियो की, उनके लिए आपकी तरफ से देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स रिश्ते की आउटकम बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आप लोगों में दोनों में ही जो इमोशन है वो ओवर फ्लो हो रहा है, दोनों में ही इंतजार किया जा रहा है इस रिश्ते की बिहाफ में। एक दोनों के प्यार के लिए आप दोनों ही तरस रहे हो, लेकिन देखो जब आउटकम की बारी आई तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप दोनों ही अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो ना दिखाओगे। कितना भी परेशानी है, कितना भी कष्ट हो रहा है, कितना भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, बात करने की कितना भी मन हो, लेकिन आप नहीं करोगे, उतना ही करोगे जितना साधारण सी बात होती है। क्योंकि हो सकता है इन दिनों आपके साथ आपके पार्टनर की बात हुई होगी, तो वही जो मैंने पहले रीडिंग में कहा था, आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे है, कि कुछ ना कुछ बात होगी, मुझे लगता है हुआ भी है। कुछ ना कहे हैप्पी दिवाली भी बोल सकते हैं, तो हो सकता है इस तरीके की बात आप लोगों में हुई है। अभी देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप लोग अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, कोई एक है जो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत किया जा रहा है, पैसा कमा रहे हैं, फिर अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई एक है आप दोनों में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको भी चाहते हैं। हो सकता है आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई है या फिर उनके अलावा भी आपके लाइफ में कोई है, तो आप दोनों में से कोई एक तो है जो कंफ्यूज है, या फिर दोनों ही कंफ्यूज हो, क्या करे, पहले परिवार को देखे या फिर प्यार को देखे। लेकिन प्यार तो आप इन्हीं से करते हो, और हो सकता है आप लोगों में से किसी एक का परिवार है या फिर दोनों का ही परिवार है, फिर भी आप लोग एक रिश्ते में बंधे हुए हो, या फिर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी प्यारा है। जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो लोग परिवार नया बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास भी एक दुविधा है। क्या दुविधा है, वो लोग पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करके पैसे कमा के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि फिलहाल के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, प्यार या पैसा। तो अभी के लिए इसीलिए आप लोग अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो और इसीलिए दुविधा में रहोगे, इसीलिए रिश्ते की जो स्थिति है वो स्टक रहेगा। कितना भी इमोशन हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, कितना भी प्यार महसूस हो, कितना भी आप एक दूसरे के सामने जाना चाहते हो, एक दूसरे के लिए आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन फिर भी खुद को
आप लोग रोक के रखोगे, आपको लगेगा नहीं अभी ये वक्त नहीं आया है, या फिर जिनके पास ऑप्शन है उनके लिए दो ही ऑप्शन अगर है तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन का स्थिति रहेगा, और जिनके लिए ऑप्शन नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है तो खुद को वो रोकेंगे इन दिनों। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, बात जो लोगों की रीडिंग चल रहा है आप उनके लिए एडवाइस करें, गाइड करें प्लीज यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटकल, जजमेंट। देखो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है अगर आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, रिकॉन्सिलेशन तो चाहते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं टू ऑफ पेंटकल्स के कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ये बता रहा है कि आप कितना भी रिकॉन्सिलेशन को मांगो, कितना भी चाहो, लेकिन आप में वो क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कौन से रिश्ते चाहिए, कौन सी रिश्ते के साथ आपको जाना चाहिए, इसीलिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है थोड़ा ईगो उनको रोक रहा है, हो सकता है पहले आप रिश्ते में उस तरीके से नहीं थे इनके साथ, सोल का कनेक्शन हो सकता है, प्यार था, लेकिन आपने उनको उस तरीके की प्यार सम्मान इस तरीके की नहीं दिया होगा, तो अभी आपको लग रहा है कि मैं खुद से जाके अगर उनको ये कहूँगी कि मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है ये उनके लिए एक मतलब हंसने की सामान बन जाए, तो आप इसके लिए खुद को रोक रहे हो। हमेशा ईगो मतलब वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कभी अपने पिछले किए हुए कामों पर भी इंसान शर्मिंदा होता है, और आप एक तरीके से कंफ्यूज भी हो, लेकिन आप लोग जजमेंट के कार्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराने रिश्ते वापस चाहते हो, और जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए परिवार चाहते हैं, लेकिन क्या करें आप में वो कंफ्यूजन ही आपको परेशान कर रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि कंफ्यूज ना हो, जो आपको चाहिए आप उसी के साथ जाएं। अगर आप अपनी ईगो के लिए खुद को रोक रहे हो ये भी सही नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो आपको क्या चाहिए, अगर इसका भी आपको पूरी तरीके से पता नहीं है तो वो ना चाहे जो आपको पता नहीं है। जब भी आपको कुछ सॉलिड चीज़ें मांगनी हो जैसे कि रिकॉन्सिलेशन, तो आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि कंफ्यूजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।